ठीक है चलो फिर से देख लो। नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में एन, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा वो बी। ये कॉइल है आपकी, ये कॉइल, ठीक है। अब इसमें टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं। अपनी सिंपलिसिटी के लिए हमने एक टर्न बनाया था, लेकिन बहुत सारे टर्न्स होते हैं, ये सिरे बाहर आ गए। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है एन और इसका पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, ठीक है। और ये रखा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड में। किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ये? वो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो अब क्या बना देखो ध्यान से। तो ये थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉयल कब? एट टाइम टी। टाइम टी पर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा? फाइव बी इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ओके, हैंस ईएमएफ इंड्यूस्ड। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस बनेगा आपका ई इक्वल्स माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। फाइव बी कितना है? कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ गया, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया? एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। जब आपने एक बार कॉइल बना ली तो नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हो गए, एरिया फिक्स है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा वो भी फिक्स है। चाहे आपकी कॉइल ऐसे रखी हो, ऐसे रखी हो, ऐसे रखी हो, ना तो ए बदल रहा, ना एन बदल रहा, ना बी बदल रहा, बदल रही है ओरिएंटेशन, एंगल बदल रहा है। एंगल कौन सा है ये? देखो इस, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इस कॉइल के सरफेस पर परपेंडिकुलर। अभी दोनों पैरेलल है, जब कॉइल यूं घूम जाएगी तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कॉइल ऐसे घूम गई तो दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे। तो क्या बदल रहा है इसमें? केवल टाइम बदल रहा है इस पूरी इक्वेशन में। तो इसलिए एन बी ए तो हमने ले लिया बाहर, और अब क्या बन गया? डी फाई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी इक्वल्स माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी, और चेन रूल से एक बार ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन। तो ई इज इक्वल टू प्लस हो गया एन बी ए ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ये बन गया इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टाइम टी। टाइम टी पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, ठीक है। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू डिपेंड कर रही है टाइम पर, बाकी तो सब फिक्स हो गए। ओमेगा भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रही है कॉइल। तो ईएमएफ मैक्सिमम कब है? ईएमएफ इज मैक्सिमम कब? व्हेन साइन ओमेगा टी इक्वल्स मैक्सिमम। और कितना होता है मैक्सिमम? ये वन होता है। तो इसलिए मैक्सिमम ईएफ कितना हुआ? मैक्सिमम ईएमएफ, इस मैक्सिमम ईएमएफ को हम लिखेंगे ई नॉट। यहां से साइन ओमेगा टी की वैल्यू वन हो गई, तो एन बी ए ओमेगा वोल्ट, दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ। अब मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू उठा करके यहां रख दो, तो किसी भी इंस्टेंट पर ईएमएफ कितना हुआ? ई नॉट साइन ओमेगा टी वोल्ट, दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस एट टाइम टी। टाइम टी बदलता रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बदलता रहेगा। टाइम टी बदलता रहेगा, इंड्यूस डीएमएफ बदलता रहेगा। कैसे बदलेगा देखना जरा, टाइम टी के साथ में इंड्यूस डीएमएफ कैसे चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा एक चेंज और कर सकते हैं हम। ओमेगा इज इक्वल टू होता है, ओमेगा होता है टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट साइन टू पाई फ्रीक्वेंसी टी वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये वो फ्रीक्वेंसी है जितनी बार ये घूम जाती है कॉइल एक सेकंड में,
एक सेकंड में इसने 50 चक्कर लगा लिए, तो फ्रीक्वेंसी की जगह हम एफ रखेंगे, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड। तो फिर एक और इक्वेशन बनी, इक्वल्स ई नॉट साइन 2π/T इंटू स्मॉल t वोल्ट। ये कैपिटल टी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड होगा, यहां से कॉइल चली, ये आधा चक्कर लिया और ये हो गया पूरा चक्कर। पूरा चक्कर लेने में जितना टाइम लगा कॉइल को, पूरा चक्कर लेने में कॉइल को जितना टाइम लगा वो टाइम है यहाँ पर कैपिटल टी। तो ये निकल कर आ गए। अब हम इसके हिसाब से डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर फाइंड करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ और फ्लक्स, दो चीजें एक साथ फाइंड करेंगे। देखिए फ्लक्स लिंक्ड कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड एट टाइम टी, टी टाइम पर मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई बी कितना है, अभी लिखा था हमने एन बी ए कॉस ओमेगा टी, जिसका डिफरेंशिएशन करके ईएमएफ फाइंड करा था। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड एट टाइम टी, ई कितना बनेगा वो लिख दिया हमने ई नॉट साइन ओमेगा टी, माइनस का है, फ्लक्स माइनस में है, नहीं फ्लक्स माइनस में नहीं था भाई, फ्लक्स भी पॉजिटिव है। तो दोनों फाइंड करेंगे हम। देखो टाइम इनिशियली ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, और कॉइल को हमने यहाँ रखा हुआ है। कॉइल को यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये बी वेक्टर, और जो कॉइल के ऊपर इस कॉइल की सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दोनों के बीच का एंगल जीरो है यहाँ, इसलिए हम कॉइल की खड़ी पोजिशन से लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, टाइम जीरो टी बाय फोर टी बाय टू, ओके, फिर थ्री टी बाय फोर, और फिर कितना टाइम, फिर टाइम टी, पांच कॉलम बन गए, राइट। टाइम जीरो टी बाय फोर टी बाय टू थ्री टी बाय फोर और पूरा का पूरा टाइम टी। अब इसका मतलब क्या है, यहां से आपने टाइम का मेजरमेंट शुरू करा, टाइम जीरो पर ये पोजीशन है, वन बाय टी बाय फोर टाइम पर पोजीशन हो गई, ये रही एक चौथाई चक्कर इसने ले लिया, फिर टी बाय टू टाइम पर कौन सी पोजीशन हो गई, ये पोजीशन हो गई, ये पहली वाली नहीं है क्योंकि इसके चेहरे बदल गए, फेस बदल गए इसके। फिर उसके बाद थ्री टी बाय फोर पर ये रही पोजीशन, और कैपिटल टी पर पोजीशन फिर से वहीं वापस अपनी जगह आ गई। ठीक है, तो पहले तो मैं बना रहा हूं क्या, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल किसके हिसाब से, विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर के हिसाब से। तो यहां देखो ध्यान से, ये मैंने रखा नॉर्थ साउथ पोल के बीच में, और ये रही कॉइल की पोजीशन, ये कैसी कॉइल, खड़ी स्टेट में। उसके बाद टी बाय फोर पर कैसे हो गया, ये कंडीशन बन गई, ये खड़ी थी, एक तरफ इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है बीच में, और फिर ये टी बाय फोर पर ये कंडीशन आ गई। तो बहुत ध्यान से देखना, ये नॉर्थ साउथ नहीं बना रहा मैं इस बार, ये पोजीशन आ गई कॉइल की। ठीक है, अगली बार में देखो ध्यान से, ये पोजीशन ये रही, अगली पोजीशन इसकी ये है कॉइल की, और फिर अगली पोजीशन फिर से क्या हो गई, कॉइल खड़ी हो गई, लेकिन फेस इसके बदल गए, फेस आपस में बदल गए, तो फिर इसकी पोजीशन क्या होगी, फिर इसकी पोजीशन ये वाली हो जाएगी। ठीक, फिर से समझो, टाइम जीरो टाइम टी बाय फोर टाइम टी बाय टू, और टाइम थ्री टी बाय फोर पर उल्टा आ जाएगा, टाइम थ्री टी बाय फोर पर फिर से ये नीचे लेट गई,
चलो मैं इसको ए बी सी डी बना देता हूं, ए बी सी डी, ठीक है, ये था ए बी सी डी, ये नीचे वाला सिरा ए बी सी डी और ए यू आ गया, तो ये क्या बना आपका आ गई। चलो नेटवर्क गायब हो गया था बीच में, ये देखो पहली ये पोजीशन है, ये मेरा सिरा ए है, ये बी है, ये सी है, डी, अगली पोजीशन ये बनी, फिर पोजीशन यहाँ गई, तो देखने में तो ऐसी लग रही है लेकिन ये बदल गए इसके फेस बदल गया, ये ए बी सी डी हो गया। अगली पोजीशन पर फिर से फेस क्या हो गए, फिर से ऐसी पोजीशन आ गई, लेकिन इस बार इसके आर्म्स बदले हुए हैं, आर्म्स इसके बदले हुए हैं, यहाँ ए था, ए यहाँ पहुंच गया, ए बी सी डी, और टाइम टी पूरा होने पर बिल्कुल वही पोजीशन जो पहले वाली पोजीशन थी, ये पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्टली वही जो जहां से चले थे हम। ये तो ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा कॉलम मैं बना रहा हूं, दूसरा कॉलम क्या बना रहा हूं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो नोट्स में है आपके शायद उसमें ये एंगल वेंगल नहीं है बना हुआ, ठीक है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी थीटा है इसके अंदर है। अच्छा यहाँ ओरिएंटेशन में क्या है, देखो यहाँ जो प्लेन ऑफ कॉयल है, प्लेन ऑफ कॉयल परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यहां POF, POC, प्लेन ऑफ कॉयल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यहां प्लेन ऑफ कॉयल फिर से कैसा, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यहां POC अगेन पैरेलल टू बी वेक्टर, और यहां फिर से क्या हो गया, यहां फिर से आपका POC परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये कंडीशंस बन गई सारी, ठीक है। यहाँ एंगल कितना होगा, देखो ध्यान से, ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड रेड वाला लाइन, रेड वाला पेन, ये कॉयल, और कॉयल के ऊपर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, वो सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, तो थीटा कितना हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गया या 0 रेडियन बोलेंगे हम इसे। और अगली बार क्या हुआ, देखो ये कॉयल है, यहाँ ऐसे थे कॉयल ये घूम के नीचे आ गई, यहाँ आ गई इंटू द प्लेन आ गई, ये कॉयल इंटू द प्लेन आ गई, तो अब देखो ये आपका जो परपेंडिकुलर है, ये सॉरी परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ कॉयल बिकम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, समझ लो ध्यान से, ये जो ब्लू पेन है इट इज द परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ कॉयल, और ये जो परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ कॉयल है ये खुद बन गया किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बन गया, तो एंगल कितना बना यहाँ पर, एंगल बना आपका 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन। अगला आधा चक्कर पूरा होने पर ये बन जाएगा आपका 180 डिग्री, रेडियन में पाई हो गया, फिर 270 डिग्री, रेडियन में कितना हो गया 3π/4, ठीक है, और नहीं 3π/4 नहीं 3π/2, और फिर यहाँ पूरा 360 डिग्री यानी के पाई रेडियन आ गया, करेक्ट। अब मैग्नेटिक फ्लक्स ले लो कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ, अच्छा 362 पाई हो गया, क्योंकि 180 होता है टू पाई, तो 360 डिग्री 2 पाई हो गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो मैं इसको कॉस ओमेगा टी ना लिख करके सीधे लिखूं, एन बी ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा की वाली तो ओमेगा टी थी, अब देखना जरा ध्यान से, थीटा जीरो है, थीटा जीरो तो कॉस जीरो वन होता है, यहाँ कितना बना मैग्नेटिक फ्लक्स एन बी ए, करेक्ट, फिर थीटा की वैल्यू रखो कितनी 90 डिग्री, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा और सब कुछ मिलकर के कितना हो गया जीरो। अगली बार में कॉस की वैल्यू रखोगे कितनी 180 डिग्री, कॉस 180 होता है -1, तो एन बी ए माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि बदल गया, प्लेन बदल गया, पहले ये इधर का प्लेन और 180 के बाद में ये देखो इधर पहुंच गया है, तो प्लेन बदल गया, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
270 के लिए फिर से कितना हो जाएगा, जीरो, और इसके लिए हो जाएगा कितना, एन बी ए, करेक्ट। ये तो बना क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसी तरह से जब हम फाइल लिखेंगे ईएमएफ, ईएमएफ लिखेंगे तो ईएमएफ कैसे लिखा जाएगा बोलो, देखो ईएमएफ ये रहा ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ ई नॉट साइन थीटा, जब थीटा की वैल्यू जीरो तो साइन की वैल्यू जीरो, और ये सब मल्टीप्लाई होकर कितना बचा, ईएमएफ जीरो। ध्यान से देखना, जब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम लिंक्ड है तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो है, उसके बाद में फिर यहाँ रखोगे आप 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होती तो सिंपली कितना निकल कर आएगा, ई नॉट निकल कर आएगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है तो इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम, जब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है तो इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम, एक्चुअली क्योंकि ये रेट है, रेट मैक्सिमम आ जाता है। और फिर यहाँ क्या आएगा, फिर जीरो आएगा यहाँ, और यहाँ माइनस ई नॉट, और फिर यहाँ जीरो। तो अब ध्यान से देखिए कि ईएमएफ बदल रहा है, ईएमएफ मैग्नीट्यूड में बदल रहा है और ईएमएफ डायरेक्शन में बदल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इस ईएमएफ से क्लॉकवाइज करंट चल रही थी तो इस वाले ईएमएफ से कितनी, एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगी, और मैग्नीट्यूड भी जीरो से ई नॉट, जीरो से ई नॉट तक घट रहा बढ़ रहा है। तो हम इसलिए कहेंगे कि ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ वेरी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पीरियोडिकली चेंज होता चले जाता है। पीरियोडिकली चेंज है जब यहां से ये जीरो से लेकर के टी होने तक, जीरो से टाइम, जीरो से लेकर टाइम कैपिटल टी कंप्लीट होने तक, इसे हम बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट हो गई, एक कंप्लीट साइकिल में ईएमएफ जीरो से ई नॉट तक बढ़ता है, फिर घट के जीरो हो जाता है, फिर बढ़ता है अपोजिट डायरेक्शन में ई नॉट तक, और फिर घट के वापस जीरो हो जाता है। तो ईएमएफ पीरियोडिकली वेरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड में भी वेरी कर रहा और डायरेक्शन में भी पीरियडिकली वेरी कर रहा है, समझिए बात। अब इन दोनों चीजों को हम ग्राफ पर ड्रॉ करें, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं टाइम, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं या तो मैग्नेटिक फ्लक्स या ले रहे हैं ईएमएफ। तो पहले हम ईएमएफ का बनाते हैं, देखो चलो पहले यहाँ चार स्लॉट, चार पॉइंट बना लेंगे टाइम के, ये तो आपका टाइम जीरो हो गया, और उसके बाद चार इक्वल डिस्टेंस पर मैं बना लूं, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, चार इक्वल टाइम पर हो गए। ये टाइम हो गया कौन सा, टी बाई फोर, ये कितना टाइम हो गया, टी बाई टू, ये टाइम कितना हो गया, थ्री टी बाई फोर, और ये टाइम कितना हो गया, पूरा टी हो गया, जीरो, टी बाई फोर, टी बाई टू, थ्री टी बाई फोर, और ये कैपिटल टी। अगर ये टाइम में लोगे, अगर ये एंगल में लोगे तो कितना होगा, ये जीरो एंगल, ये कितना होगा बोलो, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल है जीरो, जीरो के बाद में पाई बाय टू, और ये कितना एंगल है पाई, ये कितना है थ्री पाई बाय टू, और ये कितना है एंगल टू पाई। मतलब ग्राफ एग्जाम में टाइम में भी बनाने के लिए आता है और एंगल में भी आता है, दोनों को बिल्कुल एक जैसे ग्राफ है, केवल टाइम एक्सिस पर एंगल आपको लिख देना है। ये तो हो गया आपका टाइम, और ये क्या हो गया, ये हो गया एंगल, क्योंकि एंगल ही तो टाइम से, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। अब जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है और एंगल जीरो रेडियन है, तो मैं फ्लक्स मैक्सिमम है, फ्लक्स नहीं, मैं ईएमएफ बना रहा हूँ, ईएमएफ ईएमएफ बिल्कुल जीरो है। उसके बाद टी बाय फोर पर आके देखो, अगर आप टी बाय फोर टाइम है, टी बाय फोर टाइम पर ईएमएफ हो गया ई नॉट, तो मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ये मैं यहां तक ले जाऊंगा और नीचे यहां तक लूंगा, ऊपर नीचे दो जगह लगूंगा ये, ठीक है। ये मैंने अपना एक डॉटेड लाइन बना ली अपने डायग्राम को आसान बनाने के लिए, करेक्ट। टाइम जीरो पर ईएमएफ जीरो, टाइम टी बाय फोर पर ईएमएफ मैक्सिमम ई नॉट, मैंने इसको लिखा ई नॉट। तो यहां
से इंक्रीज हुआ, बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक वाला डायग्राम बनेगा, क्योंकि ये भी साइन कर्व है, वो भी साइन कर्व था, और टी बाई टू पर घट करके ई एम एफ हो गया जीरो। तो टी बाई टू पर घटते घटते ई एम एफ हो गया जीरो। उसके बाद थ्री टी बाई फोर पर फिर से ई एम एफ बढ़ते बढ़ते हो गया, अब निगेटिव में माइनस ई नॉट निगेटिव में हो गया। ई नॉट बढ़ा तो सही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा। अपोजिट डायरेक्शन के लिए अपने ग्राफ को ले जाएंगे नीचे, और ये आपका मैक्सिमम हुआ, और फिर टी बाय कैपिटल टी पर घटते घटते फिर से क्या हो गया, जीरो। साइन कर्व बन गया बिल्कुल वही जो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाया था, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब एक दूसरा ग्राफ किसे रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो जब टाइम जीरो पर मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम, मैंने इसको यहाँ लिखा एन बी ए, मैग्नेटिक फ्लक्स एन बी ए जीरो है वो मैक्सिमम है, और टाइम टी बाय फोर पर देखो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है, जीरो है। जहाँ ई नॉट मैक्सिमम है वहाँ एफ जीरो है, यहाँ ई नॉट मैक्सिमम था ई था, तो अब ये क्या बन गया, ये जीरो आ गया। उसके बाद टाइम टी बाय टू पर एन बी ए माइनस में है, और ये कितना है, जीरो है। तो जहाँ जीरो आया ई एम एफ, वहाँ पर ये कितना आया, ये मैक्सिमम नेगेटिव आया। इसके नीचे यहाँ पॉइंट देखो मैं बनाऊंगा, और ये मैक्सिमम नेगेटिव। उसके बाद थ्री टी बाई फोर पर ई एम एफ मैक्सिमम नेगेटिव है, लेकिन ई एम एफ मैक्सिमम नेगेटिव है लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है। तो ये ग्राफ उठ करके फिर वापस जीरो पर आ गया। ठीक है जी, इसके बाद देखना जरा कैपिटल टी टाइम पर मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से एन बी ए है और ई एम एफ जीरो है। तो कैपिटल टी टाइम पर यहाँ यहाँ पहुंच करके मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से क्या हो गया, इस टी बाय फोर पर मैग्जिम फ्लक्स से फिर से मैग्जिमम है, लेकिन जो हमने ब्लू वाला ग्राफ बना रखा है ये क्या है, ये जीरो है। तो रेड वाला ग्राफ क्या बना है, रेड वाला बना है मैग्नेटिक फ्लक्स बी इज इक्वल्स टू कितना, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया, ये ग्राफ बन गया, और ये क्या बन गया, ये आपका ई एम एफ का ग्राफ बन गया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यही ग्राफ हैं जो बेसिक हैं, बिल्कुल किसके बेसिक हैं, आगे लेसन के अल्टरनेटिंग ई एम एफ के। आप किताबें खोल के देखना, कोई सी भी किताब हो, चाहे वो ये वो है एनसीईआरटी है या कोई प्राइवेट है, ये जो आपका एसी जनरेटर है, ये एसी जनरेटर ये बिल्कुल लेसन का जो बिल्कुल चैप्टर है उसका बिल्कुल लास्ट पॉइंट गिवन होता है। लेकिन मैं बीच में क्यों कराता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई कि मैग्नेटिक फील्ड में कैसे कॉयल मूव कर रही है, और इस कॉयल के मूव करने से मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या वेरिएशन हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन के साथ ईएमएफ में क्या वेरिएशन होता है। तो यहाँ से आपको ये पता लगा कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एक ऐसा ईएमएफ है जो कॉन्स्टेंट नहीं रहता। देखो, अगर मैं इसमें एक सेल का स्ट्रक्चर बना लूँ, सेल का डायग्राम बना लूँ, अगर मैं सेल के लिए ग्राफ बना लूँ, तो सेल के लिए तो ग्राफ ये बनेगा बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि जितनी भी सेल में ताकत होगी वो अपना पूरा ईएमएफ लगाएगा, सपोज 2 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, और फिर टाइम के साथ साथ ना तो ईएमएफ घटेगा ना बढ़ेगा, ये कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये जो मैंने ग्रीन वाली लाइन बनाई है, ये मत बनाना अपनी कॉपी पे, ये किसके लिए है, ये आपके सेल के लिए है, ईएमएफ ऑफ सेल के लिए है ये ग्राफ, वो कॉन्स्टेंट है। लेकिन जब आपने जनरेटर से ईएमएफ बनाया, जनरेटर से जो ईएमएफ बनाया ये कांस्टेंट नहीं है, ये कभी तो जीरो है, कभी मैक्सिमम है अपनी पीक वैल्यू पर, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, अक्सर ये ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू रखी जाती है 220 वोल्ट जो हमारे घरों में आते हैं, फिर ये 220 वोल्ट से घट के जीरो हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस का यहां से यहां तक का मतलब क्या है, देखो मैं डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं कि ये आपका एक्सटर्नल लोड है, इस पूरे प्रोसेस में, कौन से वाले प्रोसेस में, यहां से यहां तक के प्रोसेस में करंट की डायरेक्शन इधर है, तो अगले यहां से यहां तक के प्रोसेस में, ये वाला देखना जरा ध्यान से, यहां से टी बाई टू से टी तक करंट तो फ्लो करेगा लोड में,
लेकिन अब करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, करंट की डायरेक्शन ये अपोजिट आ जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड तो बदल ही रहा है, कभी जीरो है तो कभी जीरो बढ़ा करके ई नॉट तक पहुंच गया। यहाँ बीच रास्ते में अगर कहीं भी आप देखोगे टी बाय फोर टाइम से पहले ना तो बिल्कुल जीरो है ना बिल्कुल उतना है जितना हुआ करता है, ई नॉट इससे ई नॉट से कम है और जीरो से ज्यादा है। फिर टी बाय फोर टाइम पर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुका ये ई नॉट मैक्सिमम रुका, और ई नॉट मैक्सिमम रुक करके क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, ये डिग्रीज होकर के जीरो हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, डायरेक्शन बदल गई इसकी, मतलब ए इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे थी यूं, तो अब अगर आप इसे सेल इमेजिन कर लें तो सेल की डायरेक्शन बदल गई, देखो अब ये इधर को काम करने लगा, पहले करंट भेज रहा था एंटी क्लॉकवाइज, अब ये करंट भेजने लगा क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन अपने आप बदल जाती है इसकी, डायरेक्शन भी बदलती रहती है और टाइम भी इसका मैग्नीट्यूड भी बदलता रहता है, इन दोनों के बदलने के कारण हम इसे बोलते हैं ये क्या है, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। बात इतनी समझ आई?